अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हल्का अहबाब में वेलकम कहते हैं। और हल्का अहबाब का आज बहुत ही अहम शो हम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि एस के नियाज़ी की कॉलमों की किताब और फिर इसमें प्राइम मिनिस्टर के कॉलम भी मौजूद हैं, जिसके कंटेंट पर हम बात करते रहते हैं। हमने ये भी कहा था कि ये किताब का जो कंटेंट है, ये एक तहरीक का नाम है, ये प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये एक तहरीक है, जिसके ताने बाने हमेशा तहरीक पाकिस्तान से भी जुड़ते हैं, कायदे आज़म से भी जुड़ते हैं, अल्लामा इकबाल से भी जुड़ते हैं। आज के जो प्रोग्राम में मेहमान हैं, उनका मैं तारुफ़ करवाने से पहले थोड़ा सा पस मंज़र बताना चाहूँगी कि हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने नया नक्शा जारी किया। नया नक्शा जारी जो किया, उसमें जूनागढ़ उसमें शामिल है पाकिस्तान में। अब कानूनी तौर पर वाकई जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा था और हिस्सा है, हिंदुस्तान उस पर काबिज़ है और हमें हिंदुस्तान से ये कब्ज़ा छुड़ाना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मेरा कोई प्लाट हो और उस पर कोई कब्ज़ा कर ले तो बाद में मैं अपना प्लाट वापस लूँ। 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत रियासतों को इख्तियार दिया गया था कि वो आज़ाद रहना चाहें या इलाहा करना चाहें पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ। जूनागढ़ के जो नवाब हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, इनके दादा हजूर सर मोहब्बत खान ने पाकिस्तान के साथ इलहाक किया था और इंटरनेशनल लॉ के तहत ये बिल्कुल एक सही फ़ैसला था और वो कर सकते थे। जूनागढ़ का पाकिस्तान से ज़मीनी राबता से ज़्यादा साहली राबता मौजूद है, जो लोग इस पर बात करते हैं। लेकिन एक और बड़ी अहम बात है कि सोमनाथ का मंदिर जो है वो भी जूनागढ़ में है। तो कई तरह की साजिशें थी जो हिंदुस्तान की तरफ से शुरू हुई। पहली साजिश जिसका जिक्र साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने अपनी एक वीडियो में भी किया है कि गैर मुनसिफाना तकसीम थी असासों की। बड़ी अहम बात है कि हमारी जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसके पास आप फौजी कुव्वत ले लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, आप फिनेंस ले लें, तो बहुत बुरे हालात थे। इसके बावजूद हमने सारी स्ट्रगल की और आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान किस मकाम पर है। नया नक्शा जारी होना भी बहुत अहमियत की बात है। मेहमानों को मैं मुबारकबाद भी दे दूंगी। 15 सितंबर और 99 नवंबर के दरमियान का, 47 की बात कर रही हूँ, तहरीक पाकिस्तान के दरमियान का पीरियड ऐसा है जब जूनागढ़ में पाकिस्तान का परचम लहराता रहा था। उसके बाद हिंदुस्तान ने साजिश की और वहाँ उन्होंने फौज कशी के बाद उन्होंने वहाँ उस पर कब्ज़ा कर लिया। अब इसमें लॉर्ड माउंटबेटन, पटेल और फिर जैसे मौलाना आज़ाद भी बाज़ मकामात पर उनके साथ हो जाते थे, तो ये सारे मिल जाते थे और गांधी जी के साथ बड़ी इनकी दोस्ती थी। ख़वातीन भी इनके जो थीं उनका भी आपस में बड़े रवाबत थे। ख़वातीन भी एक कहते हैं ना, कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता, तो यकीनन बाज़ जो उन्होंने साजिशों से कामयाबियाँ हासिल की हैं उसमें ख़वातीन का किरदार भी हम उस यक सर फरामोश नहीं कर सकते। टॉपिक चूँकि वो नहीं है इसलिए मैं उस पर डिटेल से नहीं जाऊँगी। नवाब मोहब्बत खान और उनके साहबजादे मोहम्मद दिलावर खान जी जब तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, तो इतनी बड़ी स्टेट को छोड़ना जिसकी दौलत के बारे में और जिसके ख़जानों के बारे में हम नहीं जानते, जब बात आगे चलेगी तो आपको पता चलेगा कि ये कौन बताएगा, जो कि गवर्नर भी रहे। और फिर जो इंडियन मुझे जो इतराज़ है एक, वो ये है कि इंडियन यूनियन बैंक जो था उसने करोड़ों रुपए नवाब साहब मोहब्बत खान, नवाब साहब जो हिजरत करके आए थे, उनके निकलवा लिए थे कि जी अब उसका जूनागढ़ का इलाक हिंदुस्तान ने कब्ज़ा कर लिया हुआ। तो ये इस सवाल का जवाब भी बड़ा ज़रूरी है कि मलका बरतानिया क्या कोई जॉब करती हैं, कोई कारोबार करती हैं? नहीं, वो मलका हैं। तो जो भी उनकी ज़िंदगी के में उनकी दौलत है या जो भी उनका ख़जाना है उस बादशाही निज़ाम में, वो उनका है। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश हुकूमत ने ना तो जूनागढ़ के हवाले से कानून का एहतराम किया और ये बहुत बड़ी साजिश की कि नवाब साहब जब यहाँ आएंगे और पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनके अकाउंट से सारे पैसे निकलवा लिए गए थे। क्लेम किया गया, नाज़रीन छोटे छोटे जिनके घर थे उन्होंने क्लेम किया, वडेरे और जागीरदार बने। इतने बड़ी स्टेट के जो मालिक थे, असल मालिक, उनके साथ क्लेम के मामले में क्या हुआ, मैं इससे ज़्यादा आगे तफसीलात पे नहीं जाऊंगी। मेरे लिए नहायत एजाज़ की बात कि नवाब जहांगीर खान जी साहब, नवाब ऑफ जूनागढ़, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको नवाब साहब हम अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मोहतरमा। मैं दूसरे मेहमान का भी तारुफ करवा दूँ। नाजरीन, हमारे दूसरे मेहमान भी बहुत ही अहमियत के हामिल शख्सियत हैं, चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट खानवादा हज़रत सुल्तान बाहू साहबजादा सुल्तान अहमद अली।
मुफक्कर मैं उन्हें कहती हूँ, बहुत बड़े हैं, हमें मुस्तकबिल में मजीद निज़ामी कहते थे। इनसे, इस नौजवान से मेरी बड़ी उम्मीदें वाबस्त हैं। साहबजादा सुल्तान अहमद अली आपको हल्का हवा में वेलकम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। नवाब साहब, आप हल्का महबाब के मेहमान हैं और हमने जो बात की उसमें से मैं चाहती हूँ कि जूनागढ़ के हवाले से जो हिंदुस्तान ने किया था वहीं से आप बात शुरू करें तो अच्छा रहेगा। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपके रोज़ चैनल का और आपका पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है का उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खुसूसन एस के नियाजी साहब का। और उन्हें मैं ये जो उनकी नई किताब की जो रूनुमाई हुई है जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसकी करी है, उस पर भी मैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, हम उनकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और उसके साथ ही खसूसन आपका डॉक्टर साहब, मेरे एजाज की बात, मेरे लिए एजाज की बात, करा हमें मौका दिया फराहम करा जी। तो वो जूनागढ़ की तो कुछ तारीख ऐसी है कि बहुत, और ख़ानदान की बहुत पुरानी है जी। मैं अक्सर ये बताता रहता हूँ और शुरू भी तारीख से करता हूँ। अच्छी बात है जी, क्योंकि तारीख एक बहुत अहम मुकाम रखती है इंसान की ज़िंदगियों में, ख़ास करके हमारे मुल्क के नौजवानों के लिए बहुत बहुत कारामद साबित हो सकता है। तो जो कौमें देखें तारीख को नहीं समझती हैं या उसे मुंह मोड़ लेते हैं तो फिर उनका वो जो है मुस्तकबिल उनका बहुत उसमें उनको अंधेरे नज़र आते जी, हैं। तो तारीख एक ऐसी चीज़ है कि हम उसे सबक लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये था कि हमारा ख़ानदान जो था वो, उसकी एक बहुत तवील तारीख है। और मैं फतह मक्का पर भी ले जाता हूँ, जो गज़बा हुआ फतेह मक्का का, जिसमें जिसकी क़यादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, तो वहाँ उस हमारे ख़ानदान के जो हमारे जद्द अमजद थे वो वहाँ उनके साथ थे। और इसके बाद फिर अफगानिस्तान से हमारा ताल्लुक़ है कंदहार से, तो उस वक़्त वो अफगानिस्तान की शूरा में भी होते थे, अफगानिस्तान की हुकूमत में हुआ करते थे। आपके अबा अजदाद जी, जी। और इसके बाद फिर हमारा हिंदुस्तान जाना कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊं कि जब शेरशाह सूरी ने दिल्ली के ताजदार पे कब्ज़ा कर लिया तो हुमायूं वहाँ से हिंदुस्तान छोड़ के निकल गए और वो इन सारे इलाकों के अंदर घूमने लगे, खुरासान और दूसरे। और इसके बाद फिर ये जब कंधार आए हैं तो वहाँ हमारे एक जद अमजद थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई, उस्मान खान बाबी उनका नाम था जी। तो इसके बाद उनके पास अपना लश्कर था उस्मान खान बाबी के पास, क्योंकि उस ज़माने में वो बड़े ताकतवर लोग हुआ करते थे, उनके अपने पर्सनल लश्कर भी हुआ करते थे। और हुमायूं से जब बात हुई तो उन्हें राज़ी कर लिया कि वो हिंदुस्तान जाने पर फिर राज़ी हो गए, आमादा हो गए। तो वो उनके लश्कर के साथ फिर वहाँ से निकले और इसके बाद वहाँ जंग हुई और शेरशाह सूरी हार गए जंग। और ये फिर बैठ गए, इनको बिठा दिया, इंस्टॉल करा ऑन द गद्दी ऑफ एज इम्पीरियल मुगल्स की जो गद्दी थी, ताजदार बन गए ये हिंदुस्तान के हुमायूं। तो इसके बाद फिर हमारे बाबा अमजद जो थे वो वहीं चलते रहे उनके दरबारों में एस कमांडर्स एंड जनरल्स एंड स्टेट्समैन, और मुख्तलिफ असाइनमेंट्स लेते रहे। और दरबारों में बड़ी इज्जत थी उनकी, मुगल्स अपने बराबर जो थे अपनी इज्जत करवाते थे उनकी। तो जो सर्विसेज ये रेंडर करा करते थे उनकी रिकग्निशन में फिर उनको जागीरें मिला करती थी, जो रियासती काम करते थे, जो रियासत को सपोर्ट करते थे, सल्तनत को बल्कि, क्योंकि हिंदुस्तान तो एक सल्तनत थी आपको पता। तो बस इस तरह फिर वो जो जागीरें थीं, वो जागीरें जो थीं फिर 1735 में एक हमारे जद अमजद आए जिनका नाम बहादुर ख़ान था, बहादुर ख़ान बाबी। तो उन्हें कहा कि अब हम इसको एक रियासत का दर्जा देना चाहते हैं। तो फिर 1735 में प्रोक्लेमेशन हुआ ऑफ इंडिपेंडेंट एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो जूनागढ़ फिर एक
एक स्टेट का उसने स्टेटस इख्तियार कर लिया, और फिर आपको पता है कि वो सिलसिले चलते रहे हमारे, फिर मुगल्स कमज़ोर होते गए और इसके बाद बरतानिया सरकार आ गया, फिर हमारी कुछ मायदे हुए बरतानिया सरकार के साथ, हालांकि हम लोग इंडिपेंडेंटली रूल करते रहे हमारे फोर फादर्स जूनागढ़ स्टेट पर, मगर कुछ ट्रीटीज हमारी उनके साथ हुई, और फिर इसके बाद हम आते हैं 1947 पर, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो फिर ये कुछ एक्ट्स आई वहाँ, इंडोर्स थे, रेटिफाइड थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और तो उसके तहत फिर ये हुआ कि हिंदुस्तान को अपनी आज़ादी मिल गई, और बरतानिया सरकार जो था वो रिसीट कर गया, हट गए हिंदुस्तान छोड़ के, और फिर हिंदुस्तान में से एक रियासत और कार्व आउट हुई जिसका नाम पाकिस्तान था। और आप देखें तो तकसीम हिंद से पहले कुछ 562 रियासतें थीं, तो देवर रूलर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स जो थे, तो उन्हें ये राइट ऑफ चॉइस दिया गया था कि गोया वो चाहें तो अपनी रियासत को हिंदुस्तान के साथ इलाक करें, या इंडिपेंडेंट या पाकिस्तान, या इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो इंडिपेंडेंट रहें, या फिर टू द डोमिनियंस ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो हमारे दादा हजूर ने ये करा, क्योंकि थोड़ी सी अक्सरियत ज़्यादा थी वहाँ हिंदू कम्युनिटी। तो फिर ये हुआ कि जब इलाक का वक्त आया तो वहाँ हमारे रियासत के अंदर ये था कि कुछ अक्सरियत जो थी हिंदू कम्युनिटी की ज़्यादा थे कुछ परसेंटेज, तो इस वजह से नवाब साहब ने सोचा कि इनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। तो हमारी जो स्टेट काउंसिल थी जो कि मुश्तमिल थी ऑन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिंदू कम्युनिटी एज वेल एज मुस्लिम कम्युनिटीज, तो उसके अंदर फिर ये हुआ कि उनसे पूछा गया कि हम जो हैं पाकिस्तान के साथ इलाक करना चाहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है, आप क्या मशवरा देना चाहते हैं। तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि देखे नवाब साहब, हमारे फोर फादर्स को आपके फोर फादर्स ने लीड कराया फॉर सेवरल हंड्रेड ईयर्स, और हम अपना पूरा ट्रस्ट हम रिपोज करते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर, यानी हिंदू कम्युनिटी ने भी साथ दिया उसको। जी हाँ, जो तो कहा कि हमें यकीन है कि जो आप फैसला करेंगे। अच्छा, कितना खुश थी वो, देखे ना, जब जी हाँ मुस्लिम के साथ हिंदू कम्युनिटी है जूनागढ़ में, और वो नवाब साहब के साथ कितना खुश हैं कि वो इस पर एग्री हैं कि जो आप फैसला करेंगे हमें उस पर कबूल होगा। बहुत खुश थे आवाम वहाँ की जो थी, चाहे वो हिंदूज हों या मुस्लिम्स हों, बहुत खुश थी। तो ये हुआ कि फिर चुनाचे इनने जो था इनने फैसला करने का जब वक्त आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो हैं। तो फिर 15 सितंबर को ये बहुत एक हिस्टोरिकल डे है और हम बहुत प्राउड फील करते हैं इस डे के लिए। तो उस दिन ये एग्जीक्यूशन हुआ ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। नवाब महबत खान जी जो कि सॉवरेन रूलर थे अपनी रियासत के, उनने ऑन हिज बिहाफ एंड द बिहाफ ऑफ द स्टेट और उनके जो जो भी सक्सेसर्स हैं एज नवाब ऑफ जूनागढ़, उनकी जानिब से उनने ये उसके ऊपर दस्तखत करे। तो जब हम बात करते हैं कि एक बड़ी रियासत जूनागढ़ बड़ी खुशहाल, बहुत अमीर तरीन रियासत थी, खुशहाल रियासत थी, आप देखें कि जहाँ 562 रियासतें थीं उसके अंदर जूनागढ़ जो था वो दूसरे नंबर पर मुसलमानों में सबसे अमीर तरीन रियासत थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आफ्टर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद दखन थे वो सबसे अमीर तरीन रियासत थी, उसके बाद जूनागढ़। हाँ जी हाँ, और अगर जो आप पूरा प्रिंसली ऑर्डर को देखें जो कंसिस्ट करता है 562 स्टेट्स पर अप्रॉक्सीमेटली, तो उसमें जूनागढ़ जो था ये छठे नंबर पर या सातवें नंबर पर सबसे अमीर रियासत थी पूरे। हम आपकी मज़ीद इन सारी चीज़ों को शामिल करेंगे। 15 सरदार सुल्तान आपको शामिल करते हैं कि अभी नवाब साहब ने भी इस चीज़ की तस्दीक की, जो हमने जो कंटेंट दिया, हमें ये खुशकिस्मती है कि आप हमारी गलती की सलाह भी करेंगे और ये तारीखी तौर पर बातें हमारे वाकई नौजवानों नस्ल तक जानी चाहिए। 15 सितंबर से 9 नवंबर तक जूनागढ़ में पाकिस्तान का परचम लहराता रहा, क्योंकि असूली तौर पर उसने पाकिस्तान, नवाब साहब ने जब दस्तखत कर दिए
जो कि वाली रियासत हैं और फिर कौम दोनों तरह के लोग भी साथ शामिल हैं, फिर ये क्यों नहीं आगे, क्या डिसीजन गलत किया गया और ये चढ़ाई कर दी हिंदुस्तान ने, ये क्या रवैया था जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मौजू पे आज ये शो किया। बुनियादी तौर पे तो हिंदुस्तान की तरफ जो बरतानिया का झुकाव था वो बहुत ज़्यादा था। जो आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि जो तकसीम हुई असासों की मालियात में भी और फौज में भी और ज़मीन में भी, हर लिहाज से पाकिस्तान के साथ बरतानिया ने, स्पेशली लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की और पाकिस्तान को उन्होंने इंसाफ की बुनियाद पे असासे नहीं दिए, जिस वजह से पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी हिंदुस्तान के मुकाबले में वो उस तरह नहीं थी। इसलिए जब कश्मीर का इशू आया तो 1948 में हमें अपने कबाइल को दावत देना पड़ी कि वो आके कश्मीर का दिफा करें और उन्होंने दिफा किया। इसलिए कायद आज़म कबाइल को बाजू शमशीर जन कहते थे। सबजादा सुल्तान कश्मीर 2014 में लिखा, लोगों ने बड़ी उसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ फैलाई हुई हैं कि शायद उनको हमला आवर क्यों किया गया था। असल बात ये थी कि हमारे पास हर चीज़ इतनी कम थी और जैसे जूनागढ़ के इलाके के बाद वहाँ फ़ौज कशी उसने कर दी हिंदुस्तान ने, कश्मीर भी हाथों से जा रहा था, तो उस वक्त उनकी हेल्प ली गई थी। मेरे ख्याल में 47 से लेके 1950 तक जिस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को मैनेज किया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। मुमकिन ही नहीं था ह्यूमनली जिस तरीके से हमने सरवाइव किया, जिस तरीके से हम उस मुश्किल से निकल के आए, अल्लाह ताला का शुक्र है। और उसके बाद लियाकत अली खान जो उस वक्त लीड कर रहे थे और उनके साथ और बाकी कितने मुखलिस नवाब, मुखलिस लोग, आज बात हो रही है नवाबों पर, क्या ये लोग थे, क्या लोग थे। देखिए ना, वीपी मेनन सल्यूट पेश करते हूं, वीपी मेनन ने नवाब जूनागढ़ को धमकी दी कि अगर आप पाकिस्तान के साथ एक्सेशन करेंगे तो हम फोर्स भेज के आपकी रियासत पे कब्जा कर लेंगे। लेकिन नवाब साहब की अजमत को, उनके इस्लामी जज्बे को, पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत को सलाम है कि उन्होंने कहा जी कि मैं हर सूरत में अपनी रियासत का इलाक पाकिस्तान के साथ करूंगा। असल में हिंदुस्तान दो तरह का था, एक वो हिंदुस्तान था जिसको बरतानिया डायरेक्टली गवर्न करता था, रूल करता था, दूसरा हिंदुस्तान वो था जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जैसे बहावलपुर एक प्रिंसली स्टेट्स थी, कलात था, सवात था, या जूनागढ़ था, कश्मीर था, हैदराबाद दक्कन था, बीकानेर था, तो ये प्रिंसली स्टेट्स थी। इन प्रिंसली स्टेट्स में बरतानिया बराह रास्त हुकूमत नहीं करता था, बल्कि वहाँ पे जो नवाब था ये अंडर द ब्रिटिश अम्ब्रेला ये वहाँ पे रूल करते थे। और जिस वक्त इंडिपेंडेंस एक्ट आया जिसका नवाब साहब ने रेफरेंस दिया, उसमें जो नवाबीन की हैसियत थी, स्टेट्स के जो हेड्स थे उनकी जो हैसियत थी वो सॉवरन की थी। जो इल्हाक की दस्तावीज है उस पर सॉवरन ने ही साइन, उस पे दो सॉवरन्स के दस्तखत हैं, कायदे आजम के जो पाकिस्तान के सॉवरन थे और जूनागढ़ के नवाब साहब जो जूनागढ़ के सॉवरन थे। तो इससे अहम दस्तावेज क्या से? इससे अहम दस्तावेज क्या हो सकती है? और ये इनका लीगल राइट था जो इन्होंने किया, और इसलिए आज भी आप जब जूनागढ़ की बात करते हैं हिंदुस्तान की चीखें निकलती हैं। हाँ, उनकी चीखें। वो कहते हैं जी कि आप जूनागढ़ को भूल जाएं। भाई हम क्यों भूल जाएं जूनागढ़ को? ये बिल्कुल कानूनी तौर पर ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नाजायज कब्जा कोई किया होता। नवाब साहब, हम लोग जब बचपन में अपने कहानियाँ सुनते हैं ना, तो बादशाहों की जब कहानियाँ सुनते हैं और फिर कहते हैं नवाब होते थे और ऐसा होता था, मैं ये चाहती हूँ कि उस पर मैं आऊँगी कि जूनागढ़ में जो नवाब साहब का यहाँ से इतना बड़ा असा इंडियन जो यूनियन थी उसके थ्रू निकलवा लिया गया था, बहुत बड़ी ज़्यादती की गई थी, क्लेम पर भी आएंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप, चूँकि हमारे बहुत सारे नौजवान भी सुन रहे होते हैं और हम लोग जब बादशाहों की कहानियाँ या नवाबों के पास जो दौलत के तरीका क्या होती है जूनागढ़ की स्टेट और वहाँ क्या था, जैसा कि आप फरमा रहे थे कि कुर्सियाँ भी चांदी की, उस ज़रा वो नक्शा भी मैं चाहती हूँ आप बयान कर दें। जी हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहबा मैंने बताया कि जूनागढ़ जो थी एक बहुत बहुत ज़्यादा अमीर तरीन रियासत थी,
और इतनी दौलत थी ये अल्लाह की तरफ से था कि कुछ समझ में नहीं आती थी कि मगर बस दौलत आ रही थी। हालांकि आप देखें कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था टोटल ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, कोई टैक्सेस नहीं थे, कुछ नहीं था, बेहतरीन रियासतों के लिए, रियासत में आवाम के लिए इंतज़ाम थे। यहाँ तक कि आपको पता है कि जूनागढ़ बहुत एडवांस था, द फर्स्ट लेपर्स असाइलम जो हिंदुस्तान में बना था वो भी हमारे यहाँ बना था। तो और ये जो वाटर वर्क्स जो थे जूनागढ़ के, और वो जो सारी बातें आज मैं जो देखता हूँ कि जो हमारी पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं जो इश्यूज़ हैं अपने लोगों के साथ, तो मुल्क को किस तरह डेवलप करना, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उस ज़माने में मैं पढ़ता हूँ तो वो सारी मौजूद थी। तो यानी कि इतनी एडवांस वो थी रियासत। और आप देखें कि लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल थे, खुश थे, सुकून बहुत था। और अगर जो आप एजुकेशन को देखें तो एजुकेशन में ये था कि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम द प्राइमरी टू द हाईएस्ट लेवल्स एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री थे, देयर वाज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये खान साहब जो मदीना की रियासत कहते हैं तो ये जो आप बता रहे हैं तफसीलात उसके मुताबिक तो सारा कॉन्सेप्ट तो यही उन्होंने, नवाब साहब ने यही कायम की हुई थी ना, और जिसमें तफरका भी कोई नहीं। आप तो हम लोग बहुत सारे तफरकाबाजी में आपस में मुसलमान भी पड़ गए, और आपने हिंदू कम्युनिटी बताया वो कितनी खुश थी नवाब साहब से, तो ये बड़ी बात। तो डॉक्टर साहब उसमें ये था कि इतना स्टूडेंट्स को इनक्रेज करा जाता था कि उनको किताबें और उनको वो लिखने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और उनकी बोर्डिंग लॉजिंग का इंतज़ाम और उनके कपड़े और बल्कि उनको एक पॉकेट मनी भी मिला करती थी टू इनक्रेज स्टूडेंट्स ताकि वो एजुकेशन की तरफ। सो दिस वॉज सो फार एज एजुकेशन सिस्टम वॉज कंसर्न। इसके बाद डॉक्टर साहब प्लीज, इसके बाद फिर ये था कि फिर रियासत के अंदर अगर जो हम हेल्थ केयर की बात करते हैं तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन एंड मेडिसिन जो थी वो भी एक्सप्रेस रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और ना सिर्फ ये बल्कि लंगर चला करते थे रियासत में, तो कोई आदमी जो था वो भूखा नहीं सो सकता था। लंगर जो रियासत के चलते थे वो अलग, फिर इसके बाद जो लंगर जो मजार शरीफ पर चला करते थे वो अलग, मज़ारों पे वो अलग होते थे। बहुत बड़ी बात है ये। और फिर अभी आपका तो जाना बाद में पाकिस्तान बनने के बाद से, जब आपके वालिद साहब थे ना जो गवर्नर थे दिलावर खान जी, तो उस जमाने में कहीं आपका आपकी फैमिली का दोबारा जाना हुआ तो जूनागढ़ की अब क्या सूरत हाल है, या अभी ताज़ा तरीन खबरों में आपको क्या इतलात मिलती? डॉक्टर साहब देखें, हमारे वालिद साहब नाम दिलावर खान जी, अल्लाह बख्शे, उनकी कुछ उम्र तकरीबन 25 साल के करीब होगी जब वो जूनागढ़ से आए, माइग्रेट करा। ये नौजवान थे जी हाँ, तो बस वो उन्हें रियासत को अपने सामने उजड़ते हुए देखा निगाहों के, और उसके बाद फिर कभी उनका जाना नहीं हुआ। और मैं तो फिर काफ़ी देर में 1955 में पैदा हुआ तो मेरा भी कभी जाना नहीं हुआ रियासत में। मगर ये इसमें कोई शक नहीं है कि जूनागढ़ के लोग जो हैं वो आज भी अपने नवाबों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो पता लग जाता है सोशल मीडिया पर, और उसके ऊपर बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। आप जिस मोहब्बत से जूनागढ़ को अपने आबाओजदाद की उस स्टेट को वहाँ के लोगों को याद कर रहे हैं, तो यकीनन इस शो के थ्रू भी सोशल मीडिया का दौर है, मैसेज जाता है, और आज के शो से भी ये मैसेज जाएगा। साहबजादा सुल्तान, मैं यहाँ ये बात करना चाहूँगी कि जब नवाब साहब, जैसा कि इन्होंने फरमाया कि 25 साल की उम्र में पाकिस्तान जब आए थे तो उनका जो अकाउंट था उसमें से करोड़ों रुपया जो इंडियन यूनियन बैंक था वहाँ, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फौरन ही निकलवा लिया था। और ये बड़ी उन्होंने हल्की बात की थी, छोटी बात की थी, वो नवाब साहब का पैसा था। और वो ऐसे ही है जैसे कभी मलका बरतानिया से बरतानिया वालों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सवाल किया कि मलका बरतानिया या उनका पूरा ख़ानदान क्या मुलाजमत करता है, नहीं वो बादशाह हैं, वो मलका हैं, वो अवाम में जितने नवाब साहब हरदिल अजीज़ थे, तो इतनों एक तो करोड़ों रुपया उनका ले लिया गया। फिर नवाब साहब इतनी नौजवानी में आए
और फिर कराची में मुश्किलात साफ ज़ाहिर है देखी, इतना कुछ होने के बावजूद मुश्किलात देखी, ये क्या फीलिंग्स हैं और ये क्या एहसास है? बुनियादी तौर पे तो ये एक तासुब था, प्रेजुडिस था। एक मैं इसकी साइकी के लिए आपको बात अर्ज करता हूँ। आज आप मोदी जी की बात करते हैं और मोदी जी की हुकूमत में आप बाकी माइनॉरिटीज़ को देखते हैं, ये सारी बातें जो आप मोदी को देख के कहते हैं, कायद आज़म ने ये बातें पंडित नेहरू और मोतीलाल नेहरू और गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल और इन लोगों को देख के उन्होंने कही थी कि ये लोग ये चाहते हैं कि बरतानिया का राज ख़त्म हो और ब्राह्मण राज यहाँ पे आ जाए। अब देखें, बात यह है कि जो नवाब साहब ने अपनी हिस्ट्री बताई कि ये तो कंधार से थे, ये वहाँ से अपने लश्कर लेके आए। हिंदुस्तान में तो कभी किसी में इतनी जान नहीं रही कि बाहर से आने वालों को रोकें। ये पहले मुग़लों के साथ आए, फिर जब मुग़ल सल्तनत गिरने लगी तो इन्होंने अपनी रियासत कायम कर ली। इससे पहले कि अफरा तफरी पहले तो इन्होंने जो इनकी जागीर थी उसमें इन्होंने एक निज़ाम कायम किया। ये चीज़ें जो वल्लभ भाई पटेल जैसे मुतशद्दद लोग थे, जो आरएसएस मेंटेलिटी थी, उनको ये बातें हजम नहीं होती थी और ये रियासत उनको एक बहाना मिला कि नवाब साहब ने इल्हाक किया है। मेरा बिलीव ये है और हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि रियासत पर, रियासत के ख़जानों पर वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू जैसे लोगों की नज़रें बहुत पुरानी थी और वो इस इंतज़ार में थे कि नवाब कुछ करे और हम ये सारा कुछ लपेट के ले जाएं। वो सब किधर गया? देखिए ना, नवाब साहब ने जैसे बताया, इतना पांचवीं बड़ी रियासत थी और इतनी बड़े इनका रेवेन्यू, सोने की इनकी कुर्सियां, आज भी आप इनका दरबार हाल देखें, चांदी की सैकड़ों कुर्सियां, सॉलिड सिल्वर की, उनकी वो बदनीयत ही शामिल, वो उनकी बदनीयत ऑलरेडी उनका दिमाग ऑलरेडी, जैसा कि उनकी नजर थी उसके ऊपर, वो उसको लूटना चाहते थे। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे बड़ी अहम है जूनागढ़ के मुतालिक समझने की, वो ये है कि जूनागढ़ का जो इल्हाक है पाकिस्तान के साथ, ये एक आलमी कानून के तहत है जी, बिल्कुल। और आज भी जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है। हमारा क्लेम जब रियासत के ऊपर है तो हमारा क्लेम रियासत के सब उन चीजों के ऊपर है जो रियासत की बिलोंगिंग्स थी, वो चाहे रियासत के अकाउंट्स थे, वो चाहे रियासत की बाकी चीजें थी। अभी आपने नवाब साहब से पूछा, नवाब साहब इस पे ज्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन अच्छा अभी इनकी तरह जो आप सवाल कर रहे हैं वो भी हम नवाब साहब, जूनागढ़ को आज हम दोनों ही मेजबान हैं, डॉक्टर साहब, जूनागढ़ को उजाड़ दिया गया है। जो हेरिटेज था, देखे ना, जो बिल्डिंग है वो उसको नहीं छेड़ना चाहिए था, उसको उन्होंने खत्म कर दिया। बहाने ये बनाए जी कि मेंटेनेंस के लिए रुपया पैसा नहीं था। भाई जो रियासत आपने लूटी वो रुपया पैसा किधर किया आपने? हाँ। सारे मोहल्लात अकाउंट से भी निकलवा के लिए, मदारिस, बड़े बड़े मदारिस थे, कॉलेजेस थे, उनकी बिल्डिंग्स को उन्होंने तबाह कर दिया। जो रियासती इंफ्रास्ट्रक्चर था हिंदुस्तान ने टोटली उसको तबाह कर दिया है। हालांकि ये कितना बड़ा हेरिटेज का नुकसान है, उन चीजों का वो एक नुकसान है। कितना कल्चर का ये नाम लेते हैं, बेईमानी में जब आते हैं, जब उन्होंने हमें नजरियाती तनजली में डालना होता है तो वो कल्चरल एक्टिविटीज, कल्चरल आपस की कनेक्शन बढ़ाएं जी, हम बैकवर्ड हो जाते हैं और उधर से उनकी अपनी गद्दारी। उन्होंने कश्मीर में भी यही किया है, कश्मीर जहाँ जहाँ भी कोई ऐसे हेरिटेज था या असासे थे या ख़जाने थे, उन्होंने बिल्कुल इसी तरह लूट मार की। नवाब साहब, हमें इतनी तकलीफ होती है ये सारा कुछ सुन के देख के। आप तो बराह रास्त मालिक उन चीज़ों के थे, आपका तो हक बनता था, आपका मिल्कियत थी वो, आपके कानूनी तौर पर आपका बिल्कुल जायज़ हक था। कितना आपको, किस तरह आप इस दुख से या इसको जब सोचते होंगे, और आपके वालिद साहब ने भी जब यहाँ वक्त गुजारा नौजवानी में आके, क्या कैफियत होती है आपकी? जी बस कभी देखा नहीं था आँखों से, इतना तस्वीरों में देखा, तो ज़ाहिर है जिनने आँखों से देखा उनको ज़्यादा तकलीफ होती है। मगर यह हैगा कि वालिद साहब क्या फरमाते थे वो भी बताइएगा। जी हाँ, उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख होता। जी हाँ, बहुत बहुत गम रहा इस बात का, बहुत गम रहा। हाँ, बहुत होता। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ज़ाहिर है वो एक रियासत भी ऐसी रियासत थी, और बड़ा मुश्किल होता है हम छोटी सी कोई चीज़ छोड़ना। फिर नवाब साहब, जो यहाँ जब हिजरत होगी और आम आदमी भी जब आया ना यहाँ पाकिस्तान, तो उसका अगर कोई एक घर था, उन्होंने भी क्लेम किया हमारे पाकिस्तान बनने के बाद
की बदकिस्मती है कि वडेरों और जागीरदारों ने वो हशर किया पाकिस्तान का। ऐसे में जो आप इतना बड़ा छोड़ के आते हैं क्लेम, मैं समझती हूँ कि मतलब पता नहीं, कहते ना छोटे मुँह बड़ी बात, हुकूमत पाकिस्तान को तो क्या कुछ नहीं आपके लिए सोचना और करना चाहिए था। क्लेम क्यों नहीं हुआ कि किस तरह, क्या तरीकाकार था? सेकेंडली फिर मैं आगे मैं जाऊंगी भुट्टो साहब के वालिद साहब की तरफ और उनकी ज़मीनों पर मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी, क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी इसमें तो देखें कोई शक नहीं है कि कोई शख्स अगर जो वहाँ से हिंदुस्तान से आए बहुत से यहाँ लोग हिजरत करके, तो वो अगर जो कोई शख्स ने वहाँ कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा या लोगों ने क्लेम्स करे सच्चे और झूठे दोनों तरह, और उनको उनने प्रॉपर्टीज ली अगेंस्ट दैट और जो भी था, तो ये था कि नवाब ऑफ जूनागढ़ ने अपना क्लेम नहीं लिया पाकिस्तान से, क्योंकि नवाब ऑफ जूनागढ़ का क्लेम जो है वो तो रियासत के ऊपर रहेगा, तो वो इस वजह से हमने अपना क्लेम कभी लिया नहीं, ना हमने कभी पाकिस्तान से क्लेम की बात करी। नहीं आप तो वैसे ही पाकिस्तान का एजाज है आप जैसी शख्सियत की, इतनी बड़ी आपके वालिद साहब ने कुर्बानी दे के एक रियासत की, ये कोई आसान बात तो नहीं होती, तो ये पाकिस्तान का एजाज़ है कि आज ये हमारे इस चैनल का एजाज़ है कि आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ मैं बात करूँगी कि इंटरनेशनल साहबजादा सुल्तान, इंटरनेशनल लॉ के तहत भी ये चीज़ मौजूद है कि कायदे आज़म और नवाब साहब ने इल्हाक किया था और इतने दिन 15 सितंबर से 9 तक तो परचम भी पाकिस्तान का लहराता रहा, हत्ता कि कश्मीर में जो था आपको पता है कि इंतज़ाम दे दिया गया था डाक का, एक टाइम बीच में ऐसा गुजरा था। तो ऐसी चीज़ों में अक्वाम, ये बड़ी अच्छी बात है कि मौजूदा हुकूमत ने, इमरान ख़ान ने जो नया नक्शा जारी किया उसमें जूनागढ़ शामिल है जिसका हिंदुस्तान को पेट में इस वक्त मरोड़ भी पड़ता है, लेकिन अभी तक वो नक्शा, अच्छी बात है कि हम अपने असल की तरफ वापस आएँ। अक्वामे मुत्तहिदा में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, लॉ में, कानून कहीं, जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं जी, अदलिया नहीं, इंसाफ नहीं, कानून नहीं, तो इंटरनेशनल तौर पर भी यही हाल है। इस चीज़ को अब आगे कैसे बढ़ाया जाए? जी पहली तो जो नक्शे के बारे में आपने बात की उसके ऊपर एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त ये है कि नक्शे के ऊपर अक्वामे आलम ने, इंक्लूडिंग वीटो पावर्स, उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे को कल अप्रूव किया है, जो कल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास में हुआ। नवाब साहब आपको मुबारक हो, उन्होंने नक्शा पेश किया पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने रेजिस्ट किया कि अगर पाकिस्तान ये नक्शा पेश करेगा तो हम उठ के चले जाएंगे। रशिया ने, चाइना ने, सब एससीओ के मेंबर्स ने पाकिस्तान का साथ दिया और उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का नक्शा जायज़ है, लीगल है, और जो इनके फाशिस्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत कुमार दोवल, वो इजलास छोड़ के भागने पे मजबूर हो गए और पाकिस्तान ने जूनागढ़ को एससीओ के फोरम पे रिकॉग्नाइज करवाया है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, बहुत बड़ी सफारती कामयाबी, बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। इसमें इतनी बड़ी खुशी के मौके पर जो आपने अभी शेयर किया हमसे बात, इसमें मुझे ये, जब हम लॉर्ड माउंटबेटन की, पटेल की, फिर हमारे अपने कुछ लोग मसलन बाज़ मकामात पर मौलाना आज़ाद का मैं जिक्र करती हूँ और भी हैं, मौजू से नहीं हटना चाहती, ये लोग मिल जाते हैं, अभी हमें हमारे यहाँ बदकिस्मती से अगर कहें कि ब्रिटिश में अभी आज माउंट बैटन जैसा बंदा नहीं है तो गलत होगा, अगर हम कहें हिंदुस्तान में पटेल जैसा बंदा नहीं है तो गलत होगा, और उसी तरह मैं अपने गिरेबान में जागूंगी कि अगर हम यहाँ कहें कि हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद जैसे बंदे नहीं हैं तो गलत होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि बीच में, लेकिन इस चीज़ को नेक्स्ट प्लान किया जाए आपकी मौजूदगी में जिनकी स्टेट है वो, कि इसको हम बेहतर तौर पर, क्या तजावीज़ आप समझते हैं? फिर नवाब साहब की तरफ आएंगे, हुकूमत सुन रही है, हल्का अब आपके मेहमान है जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर के कॉलम है, हम उन्हें बराह रास्त समझते होते हैं कि एस के न्याजी की के साथ मिलाने के बाद हम हुकूमत को भी अपने साथ इस शो में शामिल करते हैं कि आप भी शायद कहीं ना कहीं हमारा कॉन्टेंट जा रहा होगा। तजावीज़ क्या है, यहाँ से हम आगे स्टेप बनाएं कि कोई लॉर्ड माउंटबेटन बरतानिया से, कोई पटेल या कोई हमारे अंदर से बंदा हमारी इस कुव्वत को कमज़ोर ना करे? मेरी एक तजवीज़ है जी, मेरी तजवीज़ ये है कि नवाब
के साथ पाकिस्तान का इलहाक है, तो जो एक पार्टी है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, दूसरी पार्टी है वो नवाब है। आप अगर नवाब को इस हाल में रखेंगे जिस हाल में नवाब ने पिछले 40 साल बिताए हैं, तो आप जूनागढ़ की कोई खिदमत नहीं कर रहे। बिल्कुल सही है। जूनागढ़ का केस स्ट्रेंथन होगा जब नवाब स्ट्रेंथन होगा, और जूनागढ़ का केस कमजोर होगा जब नवाब कमजोर होगा। मैं एक छोटी सी मिसाल, आप जरूर ये बात कीजिएगा, हम इसी बात को हाईलाइट करना चाह रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, बताइए कि कश्मीर और जूनागढ़ का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि दोनों की सिचुएशन मुख्तलिफ अलग है। बिल्कुल सही। कश्मीर जो है वहाँ इंडिजिनस मूवमेंट है, जितनी वो मूवमेंट स्ट्रेंथन होगी उतना कश्मीर का केस स्ट्रेंथन होगा। बिल्कुल। और जितनी वो मूवमेंट कमजोर होगी उतना कश्मीर का केस कमजोर होगा। जूनागढ़ की सिचुएशन ये है कि ये इंडिजिनस मूवमेंट के साथ नहीं, ये नवाब के साथ आपके साथ शामिल हुआ है, इसलिए यहाँ पे वो पार्टी जैसे वहाँ इंडिजिनस मूवमेंट पार्टी है, बिल्कुल सही, जूनागढ़ के अंदर नवाब पार्टी है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तो नवाब सर मोहब्बत खान जी थे, फिर उनके इंतकाल के बाद नवाब दिलावर खान जी को प्रेसिडेंट अयूब खान ने रिकॉग्नाइज किया, उनकी दस्तारबंदी की, ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी उनको पहनाई, फिर गवर्नर सिंध भुट्टो साहब के ज़माने में बने, फिर नवाब दिलावर खान जी की वफात के बाद नवाब जहांगीर खान जी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये एवं नाम के नवाब नहीं हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के साथ रिकॉग्नाइज्ड नवाब हैं उस गद्दी के ऊपर जिस गद्दी का पाकिस्तान के साथ एक्सेशन है, ये इनका लीगल स्टेटस है, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि नवाब का जो एक प्रोटोकॉल है, जैसे प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर का प्रोटोकॉल है, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का प्रोटोकॉल है, वो यहाँ की एम्बेसीज में जाते हैं, अपना मुकदमा प्रेजेंट करते हैं, वो दुनिया के अंदर कश्मीर कमेटी बनी हुई है, उनको ये मौका है कि वो दुनिया में जाते हैं, वहाँ जाके वो कश्मीर का मुकदमा, एक हैसियत है ना, हैसियत है एक उनकी, स्टेट उनको बैक करती है, स्टेट उनको ऑन करती है। तो मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे जिम्मेदारान को, नवाब को ये मौका देना चाहिए कि ये खुद जाएं, पाकिस्तान का मुकदमा, जूनागढ़ का मुकदमा ये अक्वामे आलम के सामने रखें, यूएन में इनको भेजें, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इनको भेजें, यहाँ पाकिस्तान की एम्बेसीज में इनको भेजें, इंट्रैक्शंस करवाएं, यूएन मिशन जो है उसको इसके ऊपर एनुअल ब्रीफिंग्स होनी चाहिए। और हमारी ये भी तजवीज़ है कि दो दिन जूनागढ़ के बहुत अहम हैं, एक जिस दिन जूनागढ़ ने इलहाक किया 15 सितंबर, दूसरा जिस दिन जूनागढ़ का सकूत हुआ 9 नवंबर, ये दोनों तकरीबात 15 सितंबर भी और 9 नवंबर भी ये सरकारी सतह पे मनाई जानी चाहिए, और पूरी कौम को जूनागढ़ की तहरीक में इजहार यकजहती के लिए साथ होना चाहिए, ये करने का काम है इस वक्त जूनागढ़ के। बिल्कुल सही। मैं रिपीट करूंगी जरूर आपकी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए कि जैसे कश्मीर की आज़ादी की तहरीक को कमज़ोर करें, स्ट्रगल हम कमज़ोर करें तो कश्मीर की आज़ादी मशकूक होती है, उसको कुव्वत नहीं मिलती। तो ये नवाब का इलहाक है पाकिस्तान के साथ, तो जो इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि नवाब जहांगीर खान जी मौजूद हैं, तो इनको स्ट्रेंथन किया जाए, ये उसी तरह इनको स्टेटस दिया जाए, इनको गवर्नमेंट सरकारी सतह पर वो हैसियत दी जाए कि ये जो जूनागढ़ इमरान खान साहब ने बनाया, प्राइम मिनिस्टर ने नक्शा बनाया, बहुत अच्छा किया, कल की जो मूव है उसकी सक्सेस बहुत अच्छी है, तो आप ये मूव ले के लीडर के तौर पर उसको आगे चलें। तो ये हमें भी इसमें बड़ी स्ट्रेंथन, हमारे लिए भी ये बड़ी अच्छी बात है कि बराह रास्त वो खुद चलें। जी एक जुमला ऐड कर दूं? ज़रूर कीजिए। जो हैसियत फ़लस्तीन में यासिर अराफात की है, और जो हैसियत कश्मीर में सैयद अली गिलानी और मीर वाइज़ उमर फारूक की, बड़ा अच्छा जुमला, वो हैसियत जूनागढ़ में नवाब जहांगीर खान जी की है। बिल्कुल आपने सही कह दिया। तो खान जी किस तरह तहरीक, ये अच्छी तजवीज़ है जो इस वक्त शो में आई है, और ये बिल्कुल सही है। तो इस हवाले से आप समझते हैं कि आप इस चीज़ को किस किस अंदाज में लेके जाएं मुख्तलिफ फोरम पर, और आप आगे बढ़ें। हमारी साहबजादा सुल्तान भी यही बात कर रहे हैं, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि इस पर फिर आप लीड करें आगे, क्योंकि आपसे बढ़कर कौन कर सकता। जी हम तो बिल्कुल हाजिर हैं। हाँ। हम तैयार हैं और हाजिर हैं इंशाल्लाह, कोई भी हमारे लायक खिदमत हो तो हम बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। जब ये
बात हो रही थी ना आप बड़ी, मेरा दिल बाज मामलात को देख के मेरा भी बड़ा दिल दुख जाता है। जो जूनागढ़ की रियासत में, चूँकि बरतानिया भी ब्रिटिश आपको पता है कि मौजूद थे, तो वो वहाँ पर सिविल सर्वेंट के लोग भी शामिल होते होते थे इंतज़ामी अमूर में। जैसा कि भुट्टो साहब के जो वालिद थे शाहनवाज़ भुट्टो, उनको ब्रिटिश हुकूमत ने, नवाब साहब ने उनको एक टाइम पर, आपको पता है आपकी स्टेट में वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, वाइफ उनकी हिंदू थी जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया था, खुर्शीद शायद उनका नाम तजवीज़ किया गया था। पाकिस्तान बनने से पहले शाहनवाज़ भुट्टो आ गए थे सिंध में, इस तारीख से पहले आ चुके थे सिंध में। किताब है एक, उसका टाइटल भी अभी मेरे पास मौजूद है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि डॉटर ऑफ ईस्ट है शायद उस किताब का नाम। उसमें चार्ल्स नेपियर सफ़र कर रहा था सिंध के इलाके में, और सफ़र करते हुए वो कहता है कि ये लैंड किसकी है, तो वो उसको बताते हैं भुट्टो लैंड है ये। वो चलता जाता है फिर पूछता है काफ़ी देर के बाद कि अब लैंड किसकी है, आपको पता है वो बड़ी नज़र रखते हैं और बड़ी रिसर्च करते हैं, हमारे यहाँ तो रिवाज नहीं है। फिर उसने कहा भुट्टो लैंड, तो उसने कहा अच्छा मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, कैलूला, फिर उठा तो उसने कहा भुट्टो लैंड। तो ये मोहतरमा बेनज़ीर साहब ने और भुट्टो साहब ने अपनी किताबों में ये बातें लिखी हुई हैं। इतनी लैंड जो कि आपके रियासत में सिविल सर्वेंट में एज अ पी एम सर्व कर रहे थे, इतनी लैंड सिंध में उनकी मौजूद है। जब आप कहते हैं ना, जब हैसियत की और स्टेटस की बात करते हैं, तो ये है नवाब साहब जो जहांगीर खान जी साहब बैठे हैं कि जिनकी पे जब इतनी बड़ी दौलतमंद स्टेट, अमीर तरीन छोड़कर, इतना असासा छोड़कर, आज कोई करे तो ये नहीं कह सकते कि ये जहांगीर खान जी लैंड है, फिर घंटा गुजर जाए तो जहांगीर खान जी लैंड है, या इनके वालिद गिरामी जो हैं उनका नाम लिया जाए कि ये मोहम्मद दिलावर खान जी की लैंड है, या ये नवाब मोहब्बत खान की लैंड, ऐसा नहीं है ना जी इतनी बड़ी स्टेट के। ये बहुत बड़ा अलमिया जिस पे मैंने शो में बात की। जी ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मेरा इसमें एक मौक़िफ़ ये है कि भुट्टो साहब ने भी अपने टाइम में जूनागढ़ के इशू को बहुत हाईलाइट सपोर्ट किया है उन्होंने, और उसके बाद बीबी साहिबा ने भी जूनागढ़ के इशू को उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, गो कि जिस तरीके से करना चाहिए था फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद, मैं ये कहना तो किसी ने नहीं किया ये बात। जब तक आप ये बात नहीं करेंगे, हम ये बात आज के शो में नहीं करेंगे, जहांगीर खान जी की हैसियत वापस ऐसी नहीं, अयूब खान के बाद सच्ची बात यह है कि जूनागढ़ की जो खिदमत करनी चाहिए थी वो नहीं, नहीं खाली थपकी देने से सब ज्यादा सब कुछ नहीं होता, लेकिन हुकूमतों ने कुछ ना कुछ किया भी है, जैसे नवाब साहब का रिकॉग्निशन है, जैसे आप जरूरत, आप आज हमें राइट्स को बहाल, आज हमें इस बात को कहना है ना कि सिर्फ हौसला अफजाई, थपकी, और मैं कहूँ जी बड़ा एजाज है, अब प्रैक्टिकली जो आपके वज़ीर आज़म है ना इमरान ख़ान, जिन्होंने इस मूव को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, वो इस बात को समझ सकते हैं और मे भी इसको रिकॉग्नाइज़ कर लें कि नहीं, नवाब साहब की हैसियत और ये स्टेटस जो आपने ख़ुद कहा कि कश्मीर की आज़ादी को चलाएंगे नहीं तो क्या होगा, तो वो करेंगे तो आप आगे जाएंगे ना, जो कल अच्छी मूवमेंट, फिर बीच में दूसरे लोग तो नहीं, इनसे बढ़कर कौन कर सकता, तो ये चीज़ तो है ना। तो अक्वामे मुत्तहिदा आप समझते हैं, फिर मैं आऊँगी आपकी तरफ साहबजादा, अक्वामे मुत्तहिदा क्यों नहीं इन जूनागढ़ के हवाले से, तो बिल्कुल ये तो मुस्तनद कानूनी, उसमें तो कोई सुकम भी नहीं निकाल सकते, कोई इतराज़ भी नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ इस चीज़ को किस तरह ज़्यादा हाईलाइट किया आलमी कानून का? ये प्रायोरिटाइजेशन है, क्योंकि पहले मसला जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का पेंडिंग है अक्वामे मुत्तहिदा में, वो कश्मीर का है, और ये जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे जो लेके गए थे इसको सरजफुल्ला, उनके ज़माने से ये बात है कि पहले कश्मीर के अंदर प्लेबिसाइट होगा और उसके बाद जूनागढ़ के ऊपर बात होगी। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। इससे भी जो ज़्यादा दुख की बात है, यूएन क्या है? यूएन स्टेट्स के कहे जाने पर अपनी प्रायोरिटीज तय करता है। पाकिस्तान के कितने डेलीगेट्स हैं जो जाके यूएन सेक्रेटरी जनरल को या यूएन जीए के प्रेसिडेंट को या बाकी जो वहाँ के जिम्मेदार हैं उनको
वो इस बात के ऊपर तरगीब दिलाते हैं कि जी आप जूनागढ़ के इशू को सामने लाएं। पिछले आप 30 साल में देख लें, 30 साल में जितने हुक्मरान आए हैं, मेरे नाकिस मालूमात के मुताबिक किसी हुक्मरान ने कभी यूएन जनरल असेंबली में जूनागढ़ के इशू को एड्रेस नहीं किया, जो कि बहुत बड़ी ज्यादती है इतने बड़े इशू के साथ। जहां प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इकदाम उठाया है कि उन्होंने जूनागढ़ को नक्शे में शामिल किया, ये फॉरेन ऑफिस की, अफवाज पाकिस्तान की, इन सब की मुश्तरका काविशों से हुआ है, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब इससे एक कदम आगे जाएं, अक्वामे मुत्तहिदा के फोरम पे आपका ये राइट है। और देखें, अगर आप अक्वामे मुत्तहिदा का जो एनुअल स्केजुअल है, एनुअल स्केजुअल को अगर देखें तो हर साल उसमें स्केजुअल के अंदर, शेड्यूल के अंदर जूनागढ़ शामिल है, लेकिन हमारे यहाँ से फॉलो, लेकिन हमारे यहाँ से कोई उसको उठाता नहीं है, कोई परसू नहीं करता, कोई उस पर बात नहीं करता। तो इस पर बात की जानी चाहिए। मैं ये तजवीज़ दूंगा कि प्रेसिडेंट साहब जाएं या प्राइम मिनिस्टर साहब जाएं, जो भी जाए यूएन जनरल असेंबली के सेशन में, उनको चाहिए कि वहाँ पे वो जूनागढ़ के इशू के ऊपर बात करें। आप समझते हैं ना नवाब साहब, आप समझते हैं कि नक्शा जो बनाया गया ये एक अच्छा कदम है, कल जो हमें सक्सेस थोड़ी सी मिली ये एक अच्छा कदम है, और अभी साहबजादा सुल्तान जो तजावीज़ दे रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप भी ताईद में कुछ बात करें कि हाँ इस अंदाज़ में अब ये बेहतर हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज़रूर इस चीज़ को अब आगे थोड़ा सा बढ़ाएँगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम उम्मीद से हैं, जैसे साहबजादा साहब ने कहा फरमाया, अभी हम उसकी ताईद करते रहेंगे। और यह है कि माशाल्लाह आप देखें कि जूनागढ़ कोई मामूली रकबा नहीं था, और उसका फौजी और पॉलिटिकल उसका जो वो है, और स्ट्रेटेजिक उसका जो वो लोकेशन जो है, बड़ा अहमियत का हामिल है वो। और रियासत जो थी वो कंसिस्ट करती थी तकरीबन 4,000 square miles पर, और हमारा जो समंदरी साहिल था वो तकरीबन 100 miles था उसके ऊपर, बहर अरब पर। तो अगर जो आप कराची से जाएँ तो इट्स ओनली अबाउट 200 miles फ्रॉम कराची। इसी वजह से फैसला करा इलाका, क्योंकि हम सोच रहे थे कि ठीक है, इट इज़ अ मैरिटाइम स्टेट, तो हम लैंड लॉक नहीं थे कहीं इंडिया में, तो हम लोग समंदर के किनारे पर थे, तो हम सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज़ वी हैव द सी लिंक। ये बहुत बड़ी ये ब्लेसिंग थी कि आपके पास सी लिंक था। और आप देखें कि आजकल दुनिया के अंदर समंदरों की और बंदरगाहों की और समंदरी साहलों का क्या मुकाम है, और आपके पास वो थी। मैं एक बात, चूंकि टाइम अब हमारा थोड़ा रह गया, मैं एक और बात करना चाहूंगी कि जैसे कि आपने शुरू में कहा था कि फतह मक्का के बाद के मौका पर भी आपके जो आबाओजदाज थे उनकी कहीं मौजूदगी थी। आपके जो दादा थे वो जब एक दफ़ा गए हज करने, जब जहाज़ लेके गए, मैं आज आपसे क्लोजिंग आपसे उस बात पर, जब जहाज़ लेके गए, ये 1950s की कोई बात होगी, आप उतनी देर में याद कर लीजिए, तो जब शिप जहाज़ गया और उसमें उनकी गाड़ियाँ गईं, तो सऊदी अरब का ये हाल था कि उन लोगों के पास इतने कुछ नहीं था, और उन्होंने हैसियत देखी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे ख्याल से साहबा, हमारे दादा हजूर ने तो हज नहीं करा था। अच्छा जी हाँ, तो कौन आपके खानदान में से कौन? जी हम, हमारे वाले साहब गए थे। आपके वाले साहब? जी हाँ, यही मैं करवाना चाह रही थी कि कहीं मेरे वाले साहब गए थे हज पर, तो वो जो पानी का जहाज था वो भी हमारे रिश्तेदार थे करीब, उनकी पूरी वो जो थी पाकिस्तान इस्लामिक स्टीमशिप कंपनी के नाम से, तो वो हाजियों के जहाज वगैरह चल, तो हम लोग उसमें गए थे। यानी आपके वाले साहब जो मोहम्मद दिलावर खान जी हैं, वो गए थे लेके? जी हाँ, मतलब नहीं, वो वी वर एज पैसेंजर्स ऑन दैट शिप, वहाँ पैसेंजर की हैसियत से, तो मगर हम वहाँ जो उस वक्त के जो बादशाह थे जलालतुल मलिक फैसल, हम उनके मेहमान थे। जी हाँ, तो वहाँ उनसे मैं भी अकंपनी कर रहा था वाले साहब मालिक को। जी हाँ, मेरी उम्र 10 साल थी जब, देखिए मैंने बात करवा दी। तो वो बड़ा अच्छा रहा वहाँ, उनसे मुलाकातें भी रही, बादशाह से भी मुलाकात रही, क्योंकि हमारे जूनागढ़ की रुबातें भी थी वहाँ, जो कि रियासत जूनागढ़ की जो वो रुबातें होती हैं, जिसमें जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो जाके वहाँ ठहर सकते हैं, पूरी एक बिल्डिंग थी।
तो फिर ये हुआ कि जब एक्सटेंशन ऑफ हरम शरीफ हुआ तो वो बातों को तोड़ दिया गया और वो हरम शरीफ के अंदर आ गई। तो वो सिलसिला भी फिर चल रहा था नाम साहब का और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ एंड विद द यानी आप 10 साल की उम्र में आप भी वहां मौजूद थे जी हां विद द गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब थी। अच्छा, को गिफ्ट तो किया था उन्होंने जी, गिफ्ट क्या कर सकते थे हमारे वाले साथ ने तो जी बिल्कुल एक एक चांदी की वो थी थाल थी और उसके अंदर एक जूनागढ़ का नक्शा था और उसके अंदर वो इस तरह की कुछ चीज़ें जो थी वो बादशाह को तोहफे में दी थी। नाज़रीन, जैसा कि कहा था कि हल्का अहबाब जिसमें कॉलम है इसके नियाज़ी के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, और आज एक बात जो मैंने एक मरतबा शो में बोली थी कि ये जो शो है ये कई मकाम आज से आते हैं कि जब ये एक तहरीक का नाम है। जूनागढ़ का हुकूमत पाकिस्तान ने नया नक्शा जब पाकिस्तान का बनाया, जूनागढ़ उसमें शामिल है। हमारी बहुत खुशकिस्मती के नवाब जहांगीर ख़ान जी साहब जो हैं नवाब ऑफ जूनागढ़ इस वक्त मेरे मेहमान, और साथ जिन्होंने कंपनी की चेयरमैन मुस्लिम इंस्टीट्यूट और ख़ान वादा हज़रत सुल्तान बाहू, बड़ी बाबरकत और अहम महफिल है, बड़ी अहम तजावीज़ आई। इंशाल्लाह ताला ये तहरीक आगे बढ़ेगी और जूनागढ़ का मसला इसी तरह तसलसल के साथ आगे जाएगा और एक दिन नवाब ऑफ जूनागढ़ हम सबको अपनी रियासत में मेहमान करेंगे। आयशा मसूद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।